नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। पति के शव को लेने पत्नी ने बिना इंसाफ मिले किया इनकार। बात सीएम तक पहुंची तब जाकर आरोपी पुलिस कर्मियों पर दर्ज हुआ हत्या का केस। सीएम ने 10 लाख की आर्थिक सहायता देने की बात। दोस्तों, संग गोरखपुर घूमने आए कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर की पुलिस कस्टडी में, मौत से हड़कंप मच गया। परिजन जहां पुलिस की पिटाई से युवक की मौत की बात कर रहे हैं, वही पुलिस इसे महज हादसा करार देने में जुटी है। ये तस्वीर है कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की। मनीष का कसूर सिर्फ इतना था कि वो 3 दोस्तों के साथ गोरखपुर का विकास देखने आए, लेकिन उसे क्या पता था कि उसे विकास की जगह मौत मिलेगी। दरअसल मनीष अपने दोस्त हरदीप और प्रदीप के साथ कार से गोरखपुर आया और अपने गोरखपुर के साथी चंदन सैनी से मिलने के बाद वो तारामंडल थाना क्षेत्र के कृष्णा होटल के रूम नंबर 512 में दोस्तों संग रुक गया। उसके दोस्त हरदीप की माने तो रात करीब 12:30 बजे पुलिस होटल में चेकिंग करने पहुंची। पुलिस वालों ने उसे आईटी प्रूफ दिखाने के लिए कहा तो हरदीप और प्रदीप ने आईटी दिखा दी, लेकिन मनीष सो रहे थे तो उन्हें जगाकर आईटी दिखाई गई और मनीष ने पूछ लिया कि इतनी रात को चेकिंग क्यों, क्या हम आतंकवादी हैं। इस पर पुलिस वाले बौखला गए और मनीष और उन्हें पीटने लगे। कुछ देर बाद पुलिस वाले मनीष को घसीटते हुए बाहर लाए तो वो खून से लथपथ थे। पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई जहां उनकी मौत हो गई। जी, मेरा नाम हरबीर सिंह है। कहां से आप? मैं सर गुड़गांव हरियाणा से रहने वाला हूं। अच्छा, क्या रात में क्या हुआ, तो पूरी घटना बताइए। सर, हम अपने रूम में सो रहे थे, हम 3 लोग थे, मैं और मनीष गुप्ता जी। कौन से होटल में थे? रूम नंबर 512, होटल का नाम है कृष्णा पैलेस, सामने है। क्या हुआ था पूरी घटना? तो सर, रात को जैसे ही हम सो रहे थे तो हमारे रूम की डोरबेल बजी। कितने बजे? लगभग 12:30 बजे। 12:30 बजे डोरबेल बजी तो गुप्ता जी और प्रदीप जी सोए हुए थे। मैंने गेट खोला तो वहाँ पे 5-7 पुलिस वाले और होटल पे जो रिसेप्शन पर लड़का था, नाम नहीं पता है उसका, वो अंदर बढ़े तो बोले कि भाई क्या नाम है अपना, वो दिखाओ, आईडी दिखाओ, कहाँ के रहने वाले वगैरह वगैरह इस तरह से। मैं सर ठीक है, आईडी दिखा देंगे। आईडी दिखाई मैंने, अपनी दिखा दी, भाई की दिखा दी, क्योंकि भाई सोया हुआ था तो मैंने कि यार इसको लेके डिस्टर्ब करना, मैंने इसके पर्स निकाल कर आईडी दिखा दी। मैंने गुप्ता जी को जगाया, मैं गुप्ता जी आईडी मांग रहे पुलिस वाले तो आप दे अपनी आईडी दे दो। गुप्ता जी बोले कि भाई 12:30 12:30 बजे आप ये आईडी क्यों मांग रहे हो, हम कोई मतलब हमें क्यों परेशान कर रहे हो, सोने दो ना आप, कोई टाइम थोड़ी है। और उसके बाद ये बोले कि इनका सामान चेक करो, सामान दिखाओ अपना। मैंने सर बैग भी खोला, अपना सामान चेक किया। मैं बोला मैं सर आप ऐसे बोल रहे हो, हम कोई आतंकवादी हैं क्या? तो मुझे बोल रहा कि तू फालतू बोल रहा, ये है वो है, साला जाएगा ना तू जेल में अंदर। उन्होंने ड्रिंक की हुई थी सर जहाँ तक मुझे लग रहा है, और तू अंदर जाएगा ना, एक रात रहेगा थाने में, फिर अगल ठिकाने आ जाएगी। मन की जा पैसे कैसे थाने में लेके जा सकते हो? तो इतना कहने पर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। एक पुलिस वाला और वो कौन थे जो थप्पड़ मारे? थप्पड़ मार रहे थे सर, उनका नाम JN सिंह था और SHO रैंक के थे, और उनके साथ एक मिश्रा जी, उनका अक्षय कुमार मिश्रा, और 2-3 पुलिस वाले और थे जिन्होंने गन भी ली हुई थी। उन्होंने सर एकदम से मतलब कि ताबड़तोड़ थप्पड़ मारने शुरू करे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने 2 पुलिस वाले जैसे ही बाहर से आए लिफ्ट के आसपास से, वो मेरे को पकड़ के बाहर ले गए। मैं नीचे लिफ्ट के पास खड़ा था, तब तक मैंने देखा कि गुप्ता जी को घसीट के लेकर आ रहे हैं, और लिफ्ट के बाहर से गुप्ता जी के यहाँ से सारा ब्लड बह रहा है। उन्होंने अपनी PCR में गुप्ता जी को डाला, पीछे मुझे बैठाया। कहाँ के थे? गुप्ता जी कानपुर के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, मनीष कुमार गुप्ता जी। किस लिए आए थे वो? यहाँ सर हमारे फ्रेंड हैं मिस्टर चंदन सैनी जी, हम इनसे मिलने आए थे। ये भी हमसे मिलके हमसे 15-20 मिनट पहले अपने घर ही जा रहे थे, रास्ते में थे। तो मैं बोला मन की सर हम जिनसे मिलने आए आप उनका नंबर ले लीजिए। उन्होंने मेरे चंदन सैनी का नंबर लिया, चंदन सैनी जी को कॉल किया। उन्होंने चंदन सैनी जी से पूछा कि भाई आप मतलब कि कोई आपके गेस्ट रुके हुए क्या? ये बोले कि हाँ जी हमारे गेस्ट रुके हुए हैं होटल में। उसके बाद उन्होंने गुप्ता जी को गाड़ी में डाला और यहाँ पे कोई मानसी या मीनाक्षी हॉस्पिटल है पास में ही, यहाँ पे ले गए। तो यहाँ पे जाने के बाद मुझे लगा कि डॉक्टर ने बोला कि इनको ज़्यादा दिक्कत है, तो उन्होंने बोले कि जल्दी फटाफट से एम्बुलेंस मंगाओ, और वो डाल के उन्हें कहाँ ले गए कहाँ नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो यहाँ पे कुछ सब कुछ नया ही था। तो मेरे साथ जो लड़का था जो यहाँ पर रिसेप्शन पे था, अपनी बुलेट बाइक लेके गया था, मैं उसके साथ बैठ के मन कि यार मैं जाके अपना कच्छा पहन लेता हूँ, चप्पल वप्पल कुछ भी नहीं थी मेरे पास। वही पूरे मामले में पहले तो SSP महोदय का जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि होटल में संदिग्धों के रुकने की जानकारी मिलने पर पुलिस चेकिंग के लिए गई थी। पुलिस को देखकर युवक भागने लगा और गिरने से उसे चोट लग गई जिससे उसकी मौत हो गई। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल
होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तत्काल परिजनों को सूचित किया है, शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। आगे डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवा कर इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये युवक किस पर्पज से, किस कार्य से यहाँ आए थे, इसकी जांच की जा रही है और किसके साथ ये यहाँ रहे थे, कितने दिन रहे थे, इस संबंध में जानकारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। घटना की सूचना पर मृतक मनीष के परिवार वाले भी गोरखपुर पहुँचे और इसे सीधे सीधे हत्या करार दिया। मनीष की पत्नी ने बताया कि फोन पर हुई बातचीत में ही उन्हें पुलिस की करतूतों के बारे में जानकारी मिल गई थी। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामला बढ़ता देख पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपने का प्रयास किया, लेकिन परिजन दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे और शव ले जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद देर तक मनाने का सिलसिला भी चला, लेकिन बात नहीं बनी। इसी बीच शांशन के संज्ञान में मामला आने के बाद 6 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीड़ित परिवार से बात कर जहां 10 लाख की आर्थिक सहायता की बात की, वही दोषियों पर कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया, जिसके बाद परिजन मान गए और शव लेकर कानपुर रवाना हुए। एक्शन लिया और जो हमारा प्रार्थना पत्र था, जो अभी तक वो नहीं ले रहे थे, वो उन्होंने ले लिया। एफआईआर ले लिया। उसकी कॉपी हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप सब बुक ले सकते हैं। किसके किसके खिलाफ एफआईआर? तीन लोगों का नाम लिखा है, बाकी तीन अज्ञात में रखे हैं। क्या क्या नाम है? मुझे नाम नहीं याद है। अभी आप लोग आगे क्या कर, क्या कहाँ लेके जाएंगे? फिलहाल तो कानपुर लेके जाएंगे अपने घर, जिसकी वजह से मैं रुकी थी, वो लेने के बाद फिर इसी को मैं कंटिन्यू रखूंगी, फॉलो करूंगी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो न्याय दिलवाना है और आप सबका सपोर्ट चाहिए। कहां तक इस लड़ाई को ले जाएंगे आप? मुझे न्याय तो पूरा चाहिए ना, न्याय 2 दिन में तो हो नहीं जाना है, जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे। उम्मीद करेंगे आप सब लोग सहयोग करेंगे। क्या न्याय चाहती हैं? जिसने भी मेरे हस्बैंड को मारा है, मेरे पति को मारा है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप वर्दी पहनते हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम नागरिक नहीं हैं। आपने हमें पैरों को नीचे को चल लिया, जिस तरह मारा है उन्होंने वो सही नहीं किया है, बहुत बेरहमी से मारा है। तो मैं ये नहीं चाहती जैसे हर बार मारने के बाद जो सजा मिलती है वो वही सजा हो। बेरहमी से मारा है तो बेरहमी सी सजा भी होनी चाहिए। क्या सख्त से सख्त सजा आपको लगता है कि क्या होगी? मैं अभी इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं उनकी सजा तय करूँ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कह रही है, कुछ पुलिस ने बताया? मुझे इतना कन्फर्म है आपकी बात कि रिपोर्ट यही होगी कि उन्हें मारा गया, क्योंकि अंधे हम नहीं है, अनपढ़ भी नहीं है। आपको पीएम रिपोर्ट मिली? अभी कुछ बताया अधिकारियों? अभी नहीं कुछ मिली है। आपने पूछने की कोशिश की अधिकारियों से? पूछा था, उन्होंने कहा कि हमें नहीं प्राप्त हुई है, 24 घंटे बाद प्राप्त होगी। वही एसएसपी विपिन टांडा ने बताया कि प्रभारी इंचार्ज समेत 3 नामजद व 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा कि दोषी को सजा जरूर मिलेगी। जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप, इसमें हमने प्रथम दृष्टया 6 पुलिसकर्मियों को इसमें निलंबित किया था और जो परिवार हैं उनकी तहरीर के आधार पर हमने मुकदमा दर्ज किया है 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ, ताकि इसमें आगे निष्पक्ष जांच हो, जो भी सही हो वो कार्रवाई हो इसमें। और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए 10 लाख रुपये की अनुकंपा धनराशि परिवार को स्वीकृत की है और इसमें आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या कोई एफआईआर दर्ज हो पाया उनकी तरफ से? कोई तहरीर मिली है? कोई एफआईआर दर्ज? अरे वही तो मैं बताया ना, बीच में बोल दिया ना, पूरा एफआईआर हो गया। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद भले ही पुलिस बैकफुट पर हो गई और परिवार वालों को थोड़ी राहत हो, लेकिन पुलिस की इस कार्य प्रणाली ने एक हंसते खेलते परिवार को जो जख्म दिया है वो शायद कभी न भरे। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट।